आइए डालते हैं एक नजर कोरोना रिपोर्ट पर। आज दिनांक 18 जून 2021 को पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 72 पर 1021 सक्रिय केस। घर पर इलाज चल रहे मरीजों की संख्या 666 पर। अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा 355 पर। अमरावती जिले में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 95,454 पर। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 92,894 पर। इसी के साथ अमरावती जिले का रिकवरी रेट 97.32% पर। अब तक अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण के कारण कुल 1716 मौत। आज दिनांक 18 जून 2021 को अमरावती में कोरोना संक्रमण के कारण कुल 3 मृत्यु, जिसमें शामिल ग्रामीण क्षेत्र से 1 और महानगर पालिका क्षेत्र से 2 मृत्यु। दिनांक 12 जून से दिनांक 18 जून तक भेजे गए कुल नमूनों की संख्या 33,309 पर, जिनमें पाए गए 597 पॉजिटिव। इसी के साथ अमरावती जिले का पॉजिटिविटी रेट 1.79% पर। महाराष्ट्र में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 59,44,710 पर। 1,39,960 सक्रिय केस। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 56,85,636 पर। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कारण कुल 1,16,026 मृत्यु। इसी के साथ जून माह के कुल संक्रमितों की संख्या 3,306 पर। आइए डालते हैं एक नजर विदर्भ की कोरोना रिपोर्ट पर। नागपुर में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 4,91,951 पर। नागपुर में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक कुल 8,278 मृत्यु। बुलढाणा में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 82,972 पर। बुलढाणा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के कारण मृतकों का आंकड़ा 661 पर। यवतमाल में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 75,762 पर। यवतमाल में कोरोना संक्रमण के कारण कुल 1717 मृत्यु। गोंदिया में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 40,361 पर। गोंदिया क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के कारण मृतकों का आंकड़ा 554 पर। चंद्रपुर में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 87,654 पर। चंद्रपुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के कारण कुल 1540 मौत। भंडारा में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 59,976 पर। भंडारा में मृतकों का आंकड़ा 1,090 पर। गढ़चिरौली में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 29,183 पर। मृतकों का आंकड़ा 632 पर। वाशिम में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 41,128 पर। वाशिम में मृतकों का आंकड़ा 622 पर। वर्धा में पाए गए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,328 पर। वर्धा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के कारण कुल 1,176 मृत्यु। इसी के साथ विदर्भ में सबसे अधिक रिकवरी रेट बुलढाणा में पाया गया।